हरि ओम। प्रथम स्कंध षोध्याय सप्तम श्लोक सस्वतंत्र योगक्षेम ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा योषा दारुमयी यथा सस्वतंत्रान कल्पासि योगक्षेमं ममेच्छति योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा योषा दारुमयी यथा। हे महाभाग, क्या कहूं, लेकिन मेरी माँ मम योगक्षेमम इच्छति सा, मेरे कल्याण की चाहना करती हुई कौन भला ऐसा है, या कौन सी यह माँ है कि अपने पुत्रों का कल्याण नहीं चाहती है। मेरे कल्याण को चाहती हुई मेरी माँ बेचारी, वो कल्याण को तो चाहती थी लेकिन न स्वतंत्र आसीत, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं पराधीन थी, और इसीलिए न कल्प, अर्थात वो कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे योगक्षेम का चिंतन तो करती थी लेकिन मेरे प्रति कुछ करने का चाहती थी। जहाँ द्रव्य की बात आती है तो बेचारी स्वतंत्र न होने के कारण, बेचारी के पास धन के अभाव के कारण वह पराधीन थी। जैसे दारुमयी योषा, लकड़ी की बनाई हुई योषा माने स्त्री, अर्थात कठपुतली। कठपुतली वो स्वतंत्र नहीं है, ईशस्य ही वशे, अर्थात कठपुतली को जो नचाने वाला है उसके वश में वो रहती है। जैसे वो नचाना चाहता है वैसे अंगुलियों से नचाता रहता है। दूसरे अर्थ में देखा जाए तो सही में हम सब कठपुतली के भांति भगवान के श्री चरणों में यदि नित्य निरंतर भगवान भजन करते रहेंगे, वो भी हमारा नाचना वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है, लेकिन परमात्मा की कृपा है तो ही हो पाता है। और वास्तविक यह ईशस्य ही वशे लोकः, संपूर्ण संसार, ईश शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा लिया जाए तो परमात्मनः वशे लोकः, ईश सामर्थ्यवान धनवान धनाढ्य के अर्थ में लिया जाए तो ईशः लोकः, ईशः संसार धनिकानामेव कार्यं करोति, अतः अयमपि अर्थः। और तीसरा अर्थ यहाँ पर ईश माने दारुमयी योषा का ईश, अर्थात कठपुतली को नचाने वाला मालिक, और तस्य वशे, कठपुतली का लोक संसार पूरा है। कठपुतली बेचारी इस तरह से नाचती है जैसे वो नचाने वाला है, जैसे वो नचाने वाला नचाता है वैसे वो बेचारी कठपुतली नाचती रहती है। उसके पास स्वतंत्र बुद्धि से स्वतंत्र कार्य से कुछ नहीं है, कारण यही है। और इसलिए कहा कि सारा संसार वो
ईश के आदीन है। यहाँ पर ईश शब्द वो हम प्रायः भगवान के अर्थ में लेंगे, क्योंकि उदाहरणार्थ भले ही कठपुतली का मालिक शब्द ले लें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ईशस्य ही वशे लोकः, भगवान के वश में संपूर्ण संसार है। भगवान ही सब कुछ करता हरता धरता, और सब कुछ भगवान ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा उसी में व्याप्त रहता है, उसी से परमात्मा उसी सभी का संचालन भी परमात्मा स्वयं करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मम हरि शरणम।